हम ये चाहते हैं कि अगर ये पैगाम दो आदमी, चार आदमी, दस आदमी, 2000 आदमी, 2,00,000 आदमी भी अपनी ज़िंदगी में ला सकें, उनकी लाइफ कुछ बेटर हो सके। याद रखिए कि हम सिर्फ एक हिस्सा हैं इस मिशन का। हम वीडियोस बना सकते हैं, हम वीडियोस प्रोपगेट कर सकते हैं, हम वीडियोस आप तक पहुंचा सकते हैं, देखना आपका काम है। तो चलिए हम सोसाइटी में किसी अच्छाई को फैलाते हैं, हम सब मिलकर एक अच्छी सोसाइटी बनाए ना, एक अच्छा माशरा, एक अच्छा माहौल बनाए। तो चलिए हम सब मिलकर ये प्लेज लें और इस मिशन को आगे बढ़ाएं। दोस्तों, हर सफ़र का कोई ना कोई अंजाम होता है, कोई मंजिल होती है। ये जो सीरीज़ था जिसको हमने ग्लोबल फाउंडेशन के साथ मिलकर मुकम्मल किया, पूरा किया, ये बुनियादी तौर से वो टॉपिक्स थे जो सोसाइटी के आम ज़रूरत है, जिसके लिए हम सब कभी ना कभी हम सोचते हैं कि यार इसके बारे में कुछ जानकारी मिल जाती तो अच्छा था। ये क्या चीज़ें हैं, इसमें क्या करना चाहिए। ये जो हमारे अंदर एक बुनियादी तजस्सुस है, क्यूरियोसिटी है, हमने अभी उसको एड्रेस किया है और हम ये चाहते हैं कि ये एड्रेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इसमें कोई अपनी वाहवाही मकसूद नहीं है। हम ये चाहते हैं कि अगर ये पैगाम दो आदमी, चार आदमी, दस आदमी, 2000 आदमी, 2,00,000 आदमी भी अपनी ज़िंदगी में ला सकें, उनकी लाइफ कुछ बेटर हो सके, उनकी लाइफ ज़्यादा सेफ हो सके, ज़्यादा सिक्योर हो सके, उनका दुख कुछ कम हो सके, उनके आंसू पोछे जा सकें, उनके चेहरे पे हंसी लाई जा सके, तो हमारा मकसद कामयाब हो गया। याद रखिए कि हम सिर्फ एक हिस्सा हैं इस मिशन का। हम वीडियोस बना सकते हैं, हम वीडियोस प्रोपगेट कर सकते हैं, हम वीडियोस आप तक पहुंचा सकते हैं, देखना आपका काम है। इसको अपनी ज़िंदगी में लाना मेरा भी काम है और मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप भी अपनी ज़िंदगी में लाएँ। और हमने वीडियोस इस हिसाब से बनाए हैं कि आप ये अपने घर में, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इसको देख सकते हैं, इसको सुन सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। इसमें कोई अगर आपको कोई बात लगती है कि जो कमी रह गई है, ये हम तक आप पहुंचा सकते हैं, हम ज़रूर उसका ख्याल रखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आइंदा आने वाली जो सीरीज़ होंगी उसमें हम उन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर लें। तो चलिए हम सोसाइटी में किसी अच्छाई को फैलाते हैं। वल अम्र बिल अदल वल एहसान व इताइज़िल क़ुर्बा व नहायिल फ़ैशा वल मुनकर वल बग़्य। ये बुनियादी मॉरल प्रिंसिपल है हमारा, जो हमारे मज़हब ने भी सिखाया है कि हम सोसाइटी में जो एक्सेप्टेड अच्छाइयाँ हैं उनकी तरफ लोगों को बुलाएं, उधर तवज्जो दिलाएं, वो प्रोपगेट करें, हम इंसाफ करें, जस्टिस पर रहें और हम एहसान का रवैया रखें कि जस्टिस से एक स्टेप और आगे किसी की भलाई और कर दें। हम अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। हम सोसाइटी में जो एक्सेप्टेड बुराइयां हैं, ये कोई मजहबी बुराई की बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक्सेप्टेड मॉरल प्रिंसिपल है अक्रॉस द ग्लोब। झूठ बोलना, चोरी करना, गबन करना, किसी का हक तलफ कर लेना, मिलावट करना, ये ग्लोबली एक्सेप्टेड वाइसेस हैं। हम उससे दूर रहें, हम एरोगेंस से दूर रहें, हम बगी दिलों के टेढ़ापन से दूर रहें, हम हक के मुकाबले में अकड़ नहीं जाएं और किसी को कमतर ना समझें। ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे रिलीजन में ने सिखाए और दुनिया के हर रिलीजन, हर सोसाइटी इन्हीं मॉरल प्रिंसिपल की तालीम देता है। तो इन उसूलों को सामने रखते हुए हमने कोशिश की है कि हम इस सीरीज़ को आपके सामने लाएं, आप तक पहुंचाएं। आगे आपके हाथ में है, हम लोग हमेशा आपके दुआओं के तालिब रहेंगे, आपकी मदद की ज़रूरत हमेशा पड़ती रहेगी, आपके रहनुमाई की ज़रूरत हमें पड़ेगी। चलिए हम सब मिलकर एक अच्छी सोसाइटी बनाएं ना, एक अच्छा माशरा, एक अच्छा माहौल बनाएं और कोशिश करें कि जो चैलेंजेस हमने फेस किए, हमारी आने वाली जनरेशन को उससे कम चैलेंजेस फेस करने पड़ें। मॉरल प्रिंसिपल के हवाले से उनकी ज़िंदगी हमसे ज़रा बेहतर हो, उनके स्ट्रगल्स हमसे थोड़े कम हों। तो चलिए हम सब मिलकर ये प्लेज लें और इस मिशन को आगे बढ़ाएं। हम और ग्लोबल फाउंडेशन आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर हैं। शुक्रिया।